लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुलिस तो चोरों के पीछे भागती है। साले मेरे वीरू को चोर कहता है। राजू भैया, मैंने वीरू को मोटरबाइक पर तेजी से जाते हुए देखा। मैं बहुत चिल्लाई लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैंने उनका पीछा किया। वो रामनगर के सामने जो बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर गए हैं। तू यहां इन लोगों के बीच में, ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझसे कुछ मत पूछो राजू, यहां से चले जाओ। क्या तू मुझसे कह रहा है मैं यहां से चला जाऊं इन हरामजादे बदमाशों के बीच में छोड़कर? भगवान ने मुझे इसलिए आंखें दी थी कि मैं तुझे इस रूप में देखूं, इस पाप की नगरी में देखूं। क्या भगवान ने मुझे यह दिन देखने के लिए जिंदा रखा? मुझे विश्वास नहीं आ रहा वीरू। कहते ये सब तू मुझे सताने के लिए कर रहा है। कहते ये सब झूठ है, सब मजाक है। नहीं राजू, ये मजाक नहीं, सच है। राजू,
रुक जाओ। विजयगढ़ के ठाकुर रणबीर रंधी रंजीत हरि सिंह के अड्डे पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कमीने जलील, तो तू इस अड्डे का मालिक है। तूने मेरे भाई मेरे दोस्त वीरू की जिंदगी बर्बाद की है, तूने उसे गुमराह किया है। दुनिया में अगर मालदार बनना है, पैसा कमाना है, तो याद रखना जैसे घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, वैसे ही पैसा कमाने के लिए कभी टेढ़े रास्ते पर चलना पड़ता है। अब तुम्हारे दोस्त ने अकलमंदी का सबूत दिया, हमारी गैंग ज्वाइन कर ली। अगर तुम भी अपने दोस्त वीरू की तरह। अब मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताता हूँ जानू का। तूने मेरे वीरू की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा हरामजादे। नहीं राजू, नहीं वीरू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजू, मेरे होते हुए तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते। वीरू हट जाओ मेरे सामने से, मैं कहता हूँ मत। ये हरामजादा अपने आप को क्या समझता है? इसका खून पी दूंगा। वीरू, तूने मुझ पे हाथ उठा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने मेरी जान बचाई। अपने दोस्त, अपने भाई की जान बचाना मेरी जिंदगी का सबसे पहला फर्ज है। भगवान, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मुझे बहुत बड़ी सजा दी है जिसे मैं सह नहीं सकता। अपने वीरू का सर ऊंचा रखने के लिए मैं रोज तेरी चौखट पर सर झुकाता था, अपने वीरू की जिंदगी संवारने के लिए मैं तेरे कदमों में दिया जलाता था, और तूने मेरे विश्वास का दिया बुझा दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजू बेटा, पुजारी जी, आपका ये भगवान भगवान नहीं है, ये पत्थर है। वो पत्थर जो दिल तोड़ देता है, विश्वास तोड़ देता है। अगर ये भगवान होता तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या के बाद मेरे वीरू को बुरा आदमी नहीं बनाता, और अगर उसे बुरा आदमी बनाना ही था तो उसके दिल में मेरे लिए इतना विश्वास क्यों पैदा किया? ये सब फरेब है, सब झूठ है, और आपका ये भगवान आज मेरे दोस्त की तरह झूठा निकला। जला रहे हो, ये जख्म तो दवा से भर जाएगा।
लेकिन राजू के दिल का जख्म किसी दवा से नहीं भरेगा। मैं जानता हूं पुजारी जी, मैं जानता हूं, मैंने राजू को बहुत दुख दिए, उसकी आंख से आंसू नहीं गिर रहे थे बल्कि मैं खुद अपनी नजरों में गिरता जा रहा था। मैंने अपने दोस्त के साथ वो धोखा, वो फरेब किया जो हजार इंसान के खून से भी बढ़कर है। भगवान मुझे इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, आज दुनिया के कोने कोने से स्मगलरों के बादशाह इस जगह जमा हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह दिन स्मगलिंग की तारीख में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अब मेरे दोस्त हरी, जिन्होंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, आपसे दो शब्द कहेंगे। मिस्टर हरी। हरी कौन? वो हरामजादा हरी कौन? मेरा नाम है बर्कले बेंसन जॉर्ज प्लेयर्स हरी। वीरू, पहले जाम होगा उसके बाद काम होगा। बॉस का हुक्म है कि सबको जाम पेश किया जाए। कम ऑन वेटर्स, हरी अप, हरी अप, हरी अप। वीरू, वेरी गुड, लगता है मेहमानों से वेटर ज्यादा है। वेरी नाइस अरेंजमेंट। यस डैनियल बकले कैवेंडर जॉर्ज प्लेयर्स हरी, मेहमान नवाजी में कमी न रह जाए इसलिए एक एक मेहमान के पीछे दो दो वेटर। वेटर्स शुरू हो जाओ और दिखाओ अपना कमाल। वीरू, ये क्या तमाशा है? अरे तुम मेरी असलियत को नहीं जानते, ये सब सीआईडी इंस्पेक्टर वीरू का प्लान था तुम सबको गिरफ्तार करने के लिए। डोंट मूव। उस कमबख्त ने पुलिस ऑफिसर को दोस्त बनाकर अपने साथ मिला लिया है, जो मौका पाती में डस्ता जा रहा सारे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया है। कहाँ है बॉडी? हरी, हरी कौन बाबा? मेरा नाम तो हरी भाई, भूखे लाल, भिखारी भाई, फकीर चंद है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ए भाई, ए भाई, छुट्टा नहीं है, जाओ जाओ, अंदर कैसे चले आ रहे हो? अरे ठहर, पहचाना नहीं? नहीं, ये हरी है। आए? क्यों हरी महाराज, ये क्या होलिया है? क्या करूं भैया, पुलिस से बचने के लिए ये होली अख्तियार कर लिया मैंने। मगर हरी जी, आज तक जितनी भी ड्रेसेस आपने पहनी है उनमें सबसे बढ़िया ड्रेस यही जच रही है। हरी, तुम एक काम करो, इस होलिया को हमेशा के लिए अपना लो और सुबह से शाम तक मंदिरों के सामने मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठ के भीख मांगो, काफी आमदनी हो जाएगी। गधा कहीं का? मेरा नाम गधा नहीं है। हरी भाई, भूखे लाल, भिखारी भाई, फकीर चंद है। फकीर की होली में भी इतना लंबा नाम? सुनो, तुम अगर यहाँ रहोगे तो खतरा है पकड़े जाओगे, इसलिए आज अभी और इसी वक्त फौरन जंगल चले जाओ अपने नागू के पास, और जब तक मैं न कहूँ वापस मत आना, और चंद दिनों में मैं आता हूँ, बताता हूँ क्या करना है। सर जी, इतनी जल्दी आप इनको जंगल क्यों भेज रहे हैं? जब तक हम लोग शहर में हैं, इनको भी शहर में रहने दीजिए, भीख मांगेंगे, आमदनी हो जाएगी। आए? आए? तू जंगला, देखता हूँ तेरे को। क्या कह रही है शालू? हाँ राजू भैया, वीरू एक पुलिस ऑफिसर है, सारी पेपर्स में उसकी तस्वीर छपी है, ये देखो। राजू, मेरे भाई, इस अनपढ़ जाहल दोस्त को माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं सका, इतना बड़ा इल्जाम लगाया मैंने तुम्हें, गलत समझा, माफ कर दे। माफी किस बात की राजू, तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई भी होता वही समझता जो तुमने समझा है। दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। नहीं रे, जिस इंसान ने अपने हाथों दर बदर भटकते हुए लावारिस बच्चे को इंसान बनाया, मैंने उसी पर हाथ उठाया, लेकिन तुम्हारी कसम, मैं मजबूर था, मैं नहीं चाहता था कि हरी जैसे मुजरिम का खून तुम्हारे हाथों हो और तुम जेल जाओ, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। अरे क्या हो गया तुम्हें, माफी किस बात की, इतना बड़ा काम किया मेरे दोस्त ने, इतने बड़े स्मगलर को अंदर कर दिया। अरे इस नेक काम के लिए तो मेरी गर्दन भी काट देता ना, तो मैं ऊपर जाकर तेरे लिए दुआएं करता, कभी शिकायत नहीं करता तेरी। माय डियर ऑफिसर्स,
और दोस्तों, आज हमारे डिपार्टमेंट के लिए यह बड़े फख्र की बात है कि हमारी स्पेशल ब्रांच के एक नौजवान ऑफिसर मिस्टर वीरू ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है जो आज तक किसी दूसरे ऑफिसर को नहीं मिली। इन्होंने अकेले मुजरिमों के अड्डे में घुसकर अपनी अकलमंदी और चालाकी से समूचे गैंग के एक एक आदमी को पकड़ा और मुल्क के सबसे बड़े गिरोह का खात्मा किया। रियली ए वन मैन शो। इनकी काबिलियत और बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत इन्हें गोल्ड मेडल देती है। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स और दोस्तों, दुनिया में जो भी इंसान कामयाब होता है उसकी कामयाबी के पीछे कोई ताकत, कोई जज्बा होता है जो या तो उसे बाप की शफकतों से मिलता है या मां की शिक्षा और प्रेम से या फिर किसी गुरु की तालीम से। जब मां, बाप, गुरु इन तीनों की खूबियां एक ही इंसान में समा जाती हैं तो मैं नहीं जानता कि ऐसे इंसान को किस नाम से पुकारा जाए। मेरी कामयाबी के पीछे भी एक ऐसी हस्ती है और वो है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ, राजू। इसके दुख और तकलीफें मेरी तालीम है, इसकी दुआएं मेरी कामयाबी है। ये सुनहरा मेडल है तो सरकार का मगर इसमें चमक मेरे दोस्त के प्यार की है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं ये गोल्ड मेडल उसी के हाथ से लेना चाहूंगा। एतराज कैसा वीरू, बुलाओ उसे। राजू। राजू भैया जाओ ना, घर जाके फुर्सत से रो लेना, अभी जाओ। आबादी से दूर इस घने जंगल में हमने अपना डेन इसलिए बनाया है कि यहां से जानवरों और संदल की लकड़ी की स्मगलिंग आसानी से हो सके। और खूब हुई, हमारे साथ साथ आपने भी खूब माल कमाया। Am I right? Yes, you're right. अब हम अपने स्मगलिंग की आइटम को बदलने वाले हैं और एक नहायत ही कीमती चीज को स्मगल करने का आइडिया रखते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि वो आइटम क्या है, तो ये रहा वो आइटम। My God, human beings, इन आदमियों को स्मगल करके हम क्या करेंगे? तुम क्या करेगा? ये बात तुमको His Highness Harry, King of Good Heart, Napoleon Bonaparte बताएगा। एक जमाने में इंसान का कोई कीमत नहीं था, लोग इन्हें सिर्फ गुलाम बना के रखते थे, लेकिन साइंस तरक्की करने के बाद इंसान की कीमत बढ़ गई। किसी भी जिंदा आदमी की आंखें किसी अमीर अंधे को लगा दो वो लाखों रुपए देने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज इंसान के जिस्म का हर हिस्सा बिकता है। My friends, इस देश की आबादी बहुत बढ़ गई है, यहाँ खाना कम है और खाने वाले ज्यादा हैं। इसलिए इन बेकार कबीले वालों को साथ ले जाइए और ये दो चीते भी साथ ले जाइए। ये मिस्टर कोबरा, इस फॉरेस्ट ऑफिसर को आप किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है कि जो मुझे गिरफ्तार करने आता है मौत उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। हरी, इसका रिहोम कर दो। इस वक्त वीरू और राजू हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं और इस ऑफिसर की लाश के जरिए हम उन रुकावटों को दूर करेंगे। कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बैड। वहां मेरे जॉनी डार्लिंग के जन्मदिन की पूरी तैयारी हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। अब सुधर जा, जाने कहीं से कोई बंदर पकड़ ले, आप उसका जन्मदिन मना रहा है। डैड, डैड, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, अगर जॉनी डालने के लिए कुछ कहा ना आपने तो मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, चल सालगिरह मनाते। चल हा? चल।
देखा जॉली का कमाल, क्या क्या सिखाया मैंने इसे। हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग। क्या आप भी गाओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिना जाम के जिमी जॉनी का जन्मदिन कैसे मना सकते हैं जी। अरे बड़ी किस्मत वाले हो जिमी जॉनी जी, कि आपका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। काश हमारा जन्मदिन भी कभी ऐसे मनता जी। तुम भी भगवान से प्रार्थना कर लो जी, कि अगले जन्म में तुम्हें भी इस जैसा बनाए। इस जन्म में किसी बंदर से कम है जी। ये क्या, सब लोग जिमी जॉनी का जन्मदिन अंग्रेजी में मना रहे हैं। अरे मैं हिंदी में मनाता हूँ। जिमी जॉनी तेरे स्वागत में गीत सुन बेटा। जिमी जॉनी का जन्मदिन मनाए। आए ना छोड़ूंगा। अब मीना से शादी कर ही डालो, बात को बड़ा लंबा कर रहे हो। मुहूर्त निकालो और झट से शादी कर डालो। जम्मू बस समझ ले, ये अपने कुंवारेपन का ट्रक में आखिरी फेरा। इसके बाद मैं और वीरू मिल एक ही मंडप में एक ही पंडित के सामने शादी कर डालेंगे। आप मेरी शादी करवाएंगे? किसने हक दिया है आपको मेरी शादी तय करवाने का? क्या मेरी मर्जी और मेरी इजाजत जरूरी नहीं है? पिंजरे में कैद चिड़िया की इजाजत नहीं पूछी जाती, बल्कि उसे सयाद के कहने पर अमल करना पड़ता है, वरना उस चिड़िया की गर्दन तोड़कर मरोड़कर फेंक दी जाती है। दीवान! एक मिनट, ज्यादा जोश में मत आओ। गसीड़ा, मैं तुम्हें एक चलती फिरती तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हारा सारा जोश खत्म हो जाएगा। ये देखो माँ! तुम्हारी माँ जैसे तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा गया था, इस वक्त कहाँ पूजा कर रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो तुम्हें गोलियों का निशाना बना दिया जाएगा और तुम्हारी माँ को शेर का निवाला। मीना, ये तुम क्या कह रही हो? शालू, तुम राजू को तलाश करके उसे इस बात की खबर कर दो। मैंने वीरू को फोन किया था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तुम कुछ भी करो शालू, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लो। चुप के कौन से आने वालों को फोन कर रही है? गुरु, शालू का टेलीफोन है, जल्दी अर्जेंट। हेलो, क्या कहा? मीना की शादी किसी और के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सीएडी ऑफिसर वीरू से मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, अंदर एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। सर, स्मगलर हरी के बचने की खास वजह यह है कि वो कभी एक हुलिये में नहीं रहता, हमेशा अपना भेष बदलता रहता है। यहाँ तक कि आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि उसकी शक्ल कैसी है, लेकिन मैंने उसके हर भेष में मिनी कैमरे से फोटो ले लिए हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट गौर से स्टडी करें तो उसकी असली शक्ल सूरत का खाका बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यस, इट्स अ गुड आइडिया।